भोपाल में भाजपा नेता पंकज शर्मा पर पार्किंग शुल्क की अवैध वसूली की शिकायत के बाद भोपाल कमिश्नर ने इस पर नियंत्रण के लिए नया तरीका निकाला है, जिसके तहत अब शहर की किसी भी पार्किंग में कच्ची रसीद नहीं काटी जाएगी। भोपाल में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का खेल जारी है, जिससे आम जनता परेशान है। एक ही पर्ची से कई बार गुंडागर्दी करके पैसे वसूल किए जा रहे हैं। महापौर मालती राय ने बताया कि कमिश्नर ने यह आदेश निकाल दिया है कि सभी अपनी पर्चियां जमा कर दें। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा पार्किंग की वसूली की जाएगी, जिससे आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। क्या है, व्यवस्थाएं भी कर ली गई है। हाँ, निश्चित ही सोमवार को उसकी फाइल निकलवा के देखेंगे कि क्यों अभी तक रोक नहीं लगी है। वो निकल के आएगा मामला। जहां अवैध वसूली हो रही है उस पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।